हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे स्क्विड गेम जो कि रिलीज हुआ है नेटफ्लिक्स पे। इसमें टोटल 9 एपिसोड है जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 32 मिनट से लेके 1 आवर तक के है। और ये वीडियो मैं शॉर्ट बनाऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई स्पॉयलर फ्री रिव्यू करा करो, लेकिन मैं स्पॉयलर फ्री रिव्यू भी करता हूँ लेकिन थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ऐसा इस वीडियो में बिल्कुल भी नहीं होगा। बात करेंगे शो के प्लॉट की जो कि एकदम सिंपल सा है। 6 गेम है, 6 दिन है और प्लेयर से 456 और जीतेगा सिर्फ एक और जीतने वाले को मिलेगा 45.6 मिलियन पाउंड। अब जो लोग इस गेम में हारेंगे वो घर पे नहीं जाएंगे बल्कि सीधा ऊपर जाएंगे। आप लोगों ने इसी तरीके की कॉन्सेप्ट पर कुछ मूवीज या कुछ शोज देखे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ हमारी इंडियन मूवी लक जो कि रिलीज हुई थी काफी साल पहले, जिसमें इमरान खान, संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती, रवि किशन थे, तो उसमें भी कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट था कि कुछ प्लेयर्स है जो अलग अलग जगहों से आए, इनके पीछे इनके पास्ट में कुछ चीजें इनके साथ हुई है जिस वजह से ये लोग परेशान है, इसीलिए ये लोग इस गेम में जाते हैं, फिर इनके ऊपर बीड लगती है, फिर इनको वही जीने मरने का सवाल है। तो कुछ इसी तरह का ये शो है, नॉट एट ऑल सेम, बट मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि हमारे इंडिया में भी ऐसी चीज़ें बन चुकी है। लेकिन अगर कोरियन पर्टिकुलर इस शो की बात करें तो भाई कोई जवाब नहीं, साले 9 एपिसोड से और एक एक घंटे के एपिसोड है, सिर्फ 32 मिनट का एक ही एपिसोड है, लेकिन एक सेकंड के लिए भी भाई आप लोगों को बोर हो जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। स्टार्ट टू एंड इतनी ज़्यादा एंगेजिंग मूवी, और सिर्फ गेम पर ये मूवी आधारित नहीं है, यहाँ पर जो वो जितनी भी कैरेक्टर्स हैं ना उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो किस तरह के लोग हैं, वो सारी चीज़ें हमें इतनी अच्छी तरह से बताए जिससे हम लोग इजीली उनसे कनेक्ट हो पाए। उसके अलावा यहाँ पर गेम में जाने के बाद जो जो चीज़ें होती है, जो जो पॉलिटिक्स होती है कि कैसे दोस्त का नहीं रहता है, कैसे जीतने के लिए हम किस हद तक जा सकते हैं, वो सब कुछ जब आप देखोगे ना तो आप मतलब पूरी तरह से शॉक्ड हो जाओगे। लेकिन एक चीज यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी कि शो में कॉमेडी भी डाली है, इमोशंस भी डाले हैं और गुस्सा तो आपको आएगा ही। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स, स्पेशली ये एक कैरेक्टर है झंड भाई, जिसने है ना पूरा इंटरेस्ट बनाया रखा है शो में, क्योंकि कुछ ऐसे विलेन कैरेक्टर होते हैं जो ऑडियंस को देखकर नफरत भी आती है लेकिन ऑडियंस जब उसको ना देखे तो वो स्क्रीन पर मजा भी नहीं आता। तो ये झंडू कुछ उसी लेवल का कैरेक्टर है इस पूरे शो में, जो आपको पसंद नहीं आएगा लेकिन फिर भी आप इसको देखना चाहोगे स्क्रीन पर। उसके अलावा शो में दूसरे कैरेक्टर्स की बात करो तो जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, हर कैरेक्टर्स को बहुत अच्छी तरह से लिखा है जो आपको देखने बहुत मजा आएगा। शो की सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी लगी, हर एक गेम्स को जिस तरह से उन लोगों ने यहाँ पर प्रेजेंट किया है, जो एक बड़े स्केल में प्रेजेंट किया है और इतना सफाई से प्रेजेंट किया है कि देख के बस आपका दिल खुश हो जाएगा। वायलेंस के सीन से वो बहुत ही ज़्यादा सीन से, क्योंकि हर गेम में बहुत सारे लोगों की मौत हो रही है तो ऑब्वियसली वायलेंस तो भर भर के हो गई। BGM आउटस्टैंडिंग बोलूँगा, मज़ा आ गया इसके BGM से। और एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात को तो हर एक एक्टर ने अपने रोल को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया, शो का डायरेक्शन बहुत अच्छी तरह से किया, एडिटिंग बहुत अच्छी तरह से किया, और कुल मिला के ये उन कोरियन ड्रामास में से एक है जो हमारी इंडियन ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है भाई। लेकिन अब इस शो की एक नेगेटिविटी बताओ कि 9 एपिसोड होने की वजह से हर चीज़ें डिटेल में बताने की वजह से कुछ जगह पर ये शो ड्रैग करता है, तो ये कुछ ऑडियंस को ऐसा लग सकता है कि यस ये ड्रैग हुआ है, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा कुछ भी नहीं लगा क्योंकि मैं यूज्ड टू हूँ कोरियन शोज। अगर आप लोग देखे होगे तो आपको पता होगा कि ये उनके लिए एकदम मामूली बात है एक घंटा, तो वो लोग चीज़ों को अच्छी तरह से डेवलप करने के लिए, अच्छी तरह से दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं और वो भी इस शो में आप लोग फील करते, तो मुझे तो पर्सनली कुछ भी ऐसा लगा नहीं। लेकिन मैं ये नेगेटिव पॉइंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लग सकता है। पेरेंटल गाइडेंस में इतना ही बोलूंगा कि शो में आपको न्यूडिटी की सीन देखने को मिलेंगे, एक जगह पे एडल्ट सीन है और जो हिंदी डबिंग आर्टिस्ट है उन लोग ने जमकर गाली दी है, लेकिन वो शो के हिसाब से एकदम परफेक्ट बेटर था, इसलिए मैं बोलूंगा कि ये शो एडल्ट लोग देखे तो वो ज्यादा बेटर होगा। मैं इस पर्टिकुलर शो को रेटिंग दूंगा 9 out of 10, 10 out of 10 भी दे सकता था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि ये शो थ्रू आउट द वे बहुत मजा आया। लेकिन एक पॉइंट इसलिए कम दे रहा हूं क्योंकि कुछ लोग मुझसे सहमत ना हो तो उनके लिए एक देते चल रहा, वैसे तो 10 out of 10 है लेकिन फिर भी 9 out of 10 ले लो। तो यार बस इस वीडियो में इतने, अगर आपको ये शो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपको क्या अच्छा लगा इस शो के बारे में और कौन सा गेम आपको ज्यादा अच्छा लगा। मुझसे पूछो तो मुझे मार्बल वाला गेम ज्यादा अच्छा लगा, यानी वो गोटियों वाला, वो इसलिए क्योंकि गेम में जो इमोशंस थे और वो जो कैरेक्टर्स में बदलाव देखने को मिला ना वो पर्टिकुलर गेम था। तो आप लोग बताओ कि आपका कौन सा फेवरेट गेम था। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।